हेलो फ्रेंड्स, सतरंगी निटिंग पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये निटिंग पैटर्न बताने जा रही हूँ। इसे आप बच्चों के स्वेटर में डालिए, ये बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। चाहे आप गर्ल्स के स्वेटर में डालें या बॉयज के स्वेटर में डालें, बच्चों के स्वेटर में ये डिजाइन बहुत सुंदर दिखाई देता है। इसको डालने के लिए आप 4 के मल्टीपल प्लस 1 स्टिचेस लीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे डाला जाएगा। ये मैंने 17 फंदे लिए हुए हैं और दो सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। आप जब भी डिजाइन डालें तो आप उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लीजिए, उसके बाद आप इसको सीधी सिलाई से स्टार्ट करिए। ये हमारी सीधी सिलाई है और अब हम डिजाइन स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा बिना बुना ऐसे ही उतार लेंगे और दूसरा फंदा हम ये व्हाइट कलर से सीधा बुन लेंगे। ये हमारी सीधी सिलाई है, व्हाइट कलर से ये फंदा हमने सीधा बुना। अब देखिए, इस फंदे में हम सिलाई डालेंगे और ब्लू कलर से इसको एक बार बुनेंगे। फंदे को सिलाई पर से उतारना नहीं है, धागे को आगे लाना है और एक बार फिर से हम इसी फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, हमारे तीन फंदे बन गए। ये देखिए, हमारे एक फंदे से तीन फंदे बन गए। अब तीन फंदे हम व्हाइट कलर से सीधे बुन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से इस एक फंदे से हमें तीन फंदे बनाने हैं। इसको एक बार सीधा बुना, धागा आगे लाए, एक बार फिर से इसी फंदे को सीधा बुन लिया। अब तीन फंदे सीधे बुनेंगे। अब इस फंदे में तीन फंदे बनाएंगे, धागा आगे, एक बार फिर से इसी फंदे को सीधा बुना। ये हमारे तीन फंदे बन गए। अब हम व्हाइट कलर से तीन फंदे सीधे बुनेंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो, रॉन्ग साइड। पहला फंदा ऐसा ही उतार लेंगे। अब देखिए, ये जो ब्लू वाला फंदा है इसको हमें आगे लाना है। इस तरह। अब ये दोनों फंदे एक साथ लेंगे, ब्लू और व्हाइट, और ये दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। ये बीच वाला फंदा हमें ब्लू बुन लेना है। उल्टी सिलाई है, सारे फंदे उल्टे ही बुने जाएंगे। अब ये ब्लू वाला फंदा और ये व्हाइट फंदा दोनों एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक व्हाइट फंदा बुन लेंगे। ये फंदा व्हाइट बुना जाएगा। फिर से हम ये ब्लू फंदा आगे लाएंगे। अब दोनों फंदे एक साथ लेंगे और व्हाइट कलर से दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। ये जो ब्लू फंदा है बीच वाला, इसको ब्लू कलर से बुना जाएगा। अब ये दोनों फंदे एक साथ लेंगे, एक ब्लू और एक व्हाइट, और दो फंदे का एक फंदा व्हाइट कलर से बुन लेंगे। एक फंदा व्हाइट बुनेंगे, फिर से इस फंदे को हम आगे लाएंगे। दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे, ये बीच वाला फंदा ब्लू बुनेंगे। अब फिर से दो फंदे एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है।
अब देखिए हमारी थर्ड रो, ये देखिए हमारी सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई और ये हमारा डिजाइन इस तरह से आ रहा है। अब हमारी थर्ड रो, पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, ये दूसरे कलर का धागा लगाएंगे, एक ये व्हाइट फंदा, एक ये ब्लू फंदा और एक ये वाला व्हाइट फंदा, तीनों फंदे हम इस कलर से बुन लेंगे। ये व्हाइट फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुना। फिर से ये ब्लू फंदा और इसके दोनों साइड का एक एक व्हाइट फंदा, ये तीनों फंदे हम पिंक कलर से बुन लेंगे। ये व्हाइट फंदा हमें ऐसे ही उतार लेना है और ये तीनों फंदे पिंक बुन लेने हैं। फिर से ये व्हाइट फंदा ऐसे ही उतारेंगे और ये तीनों फंदे हम पिंक कलर से बुन लेंगे। ये लास्ट फंदा ऐसे ही उतार लेंगे। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई और अब हमारी फोर्थ रो। पहला फंदा ये जो व्हाइट है इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब ये जो तीन फंदे हैं पिंक कलर से, इनको हम तीनों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी उल्टी सिलाई है, तीनों फंदे उल्टे बुने जाएंगे। ये व्हाइट फंदा ऐसे ही उतार लिया और तीनों पिंक फंदे उल्टे बुन लिए। व्हाइट फंदा बिना बुना उतार लिया, तीनों पिंक फंदे उल्टे बुन लिए। व्हाइट फंदा बिना बुना उतारा, तीनों पिंक फंदे उल्टे बुन लिए। पूरी सिलाई हमें ऐसे ही बुन लेनी है। ये लास्ट वाला फंदा भी हम ऐसे उतार लेंगे। अब देखिए हमारी अगली सिलाई। पहले एक, दो, तीन, चार, चार फंदे हमें व्हाइट कलर से बुन लेने हैं। अब ये जो फंदा है जो हम बिना बुना उतार रहे थे व्हाइट, इसमें से हम तीन फंदे बनाएंगे ब्लू कलर का धागा लेकर के। ये देखिए अब तीन फंदे व्हाइट बुनेंगे। इस फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे। तीन फंदे व्हाइट बुनेंगे। इस फंदे में से तीन फंदे बनाएंगे ब्लू कलर से। पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है और ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब अगली सिलाई। अगली सिलाई में पहला फंदा उतारा, दो फंदे व्हाइट कलर से बुने।
अब ये वाला धागा जो है, सॉरी ये वाला फंदा जो है इसको हम आगे लाएंगे, ये जो ब्लू फंदा है इसको आगे लाए और ये दो फंदे का एक फंदा बुना, बीच का फंदा ब्लू कलर से बुना, ये दोनों फंदे एक साथ लिए और दो फंदे का एक फंदा बुन लिया। ये वाला फंदा व्हाइट बुना जाएगा, फिर से हम ये ब्लू फंदा आगे लाएंगे और व्हाइट फंदा पीछे ले जाएंगे। अब दोनों फंदे एक साथ लेंगे और दो फंदे का एक फंदा बुन लेंगे, ये बीच वाला फंदा ब्लू कलर से बुनेंगे। अब ये ब्लू फंदा और ये व्हाइट फंदा दोनों लेंगे और दो फंदे का एक व्हाइट फंदा बुन लेंगे, ये फंदा व्हाइट बुना जाएगा। इस फंदे को हम आगे लाएंगे, दो फंदे एक साथ लेकर दो फंदे का एक फंदा बुन लिया, ये फंदा ब्लू बुना। अब ये ब्लू फंदा और एक व्हाइट फंदा दो फंदे एक साथ लिए और दो फंदे का एक फंदा बुन लिया, ये फंदे व्हाइट कलर से बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स अगली सिलाई, अगली सिलाई में हम क्या करेंगे, पहला फंदा ऐसे ही उतारा, दूसरा फंदा भी उतारा, तीसरा फंदा भी उतारा। अब ये तीन फंदे पिंक कलर से सीधे बुनेंगे, ये फंदा व्हाइट वाला ऐसे ही उतार लेंगे और ये तीन फंदे पिंक कलर से सीधे बुन लेंगे, ये व्हाइट फंदा ऐसे ही उतार लेंगे और ये ब्लू फंदा और इसके दोनों साइड का एक एक फंदा ये हम पिंक कलर से बुन लेंगे तीनों फंदे। अब ये तीनों फंदे भी हमें ऐसे ही उतार लेने हैं, देखिए या तो आप ऐसे ही उतार लीजिए या आप यहीं से इसको ऐसे पलट लीजिए। देखिए तीनों पिंक फंदे पिंक कलर से बुनेंगे, ये फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, फिर से तीनों पिंक फंदे पिंक से बुनेंगे, व्हाइट फंदा ऐसे ही उतार लिया, तीनों पिंक फंदे पिंक कलर से बुने और ये तीनों फंदे भी हमने ऐसे ही उतार लिए। अब हमारी अगली सिलाई, इसमें हम शुरू के दो फंदे व्हाइट कलर से बुनेंगे। अब इस फंदे में से हमें तीन फंदे बनाने हैं, ये जो व्हाइट फंदा है तो ब्लू कलर का धागा ये देखिए ऐसे तीन फंदे बनाए, ये तीन फंदे सीधे बुने। ये हमारी वही वाली सिलाई आ गई है जहां से हमने शुरू किया था, तीन फंदे सीधे बुने। अब इस फंदे से हम फिर से तीन फंदे बनाएंगे, ये देखिए तीन फंदे बनाए। अब ये तीन फंदे व्हाइट कलर से सीधे बुने। अब इस फंदे में हम फिर से तीन फंदे बनाएंगे, तीन फंदे व्हाइट कलर से सीधे बुनेंगे। अब देखिए ये तीनों फंदे भी हमें, सॉरी इस फंदे में से हमें फिर से तीन फंदे बनाने हैं, अब ये दोनों फंदे व्हाइट बुन लेंगे। ये देखिए हमारा डिजाइन इस तरह से बन करके आने लगा है।
और अब हमें इन्हीं सिलाइयों को रिपीट करते जाना है और डिजाइन को आगे डालते जाना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।